बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से, जहां पर आसनसोल में आज सुबह सड़क हादसे में दो गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों ही गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इंजन ऑयल का वाहन आसनसोल से रानीगंज की ओर जा रहा था, वहीं एक दवा का ट्रक कोलकाता से आसनसोल की ओर आ रहा था। रास्ते में कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में ट्रक टैंकर से जा टकराया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि विस्फोट के साथ वाहनों में आग लग गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां पहुंचे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर आई। दमकल की गाड़ियों को तुरंत बुलाया गया। हादसे में मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस फिलहाल पूरी घटना की छानबीन कर रही है। अनुपम मिश्र मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या खबर मिल पा रही है? हादसा कैसे हुआ? जी नवजोत, सुबह 5 बजे के आसपास हादसा हुआ है और हादसे की वजह बताई जा रही है दो मोटरसाइकिल सवार जिनको बचाने के क्रम में चक्कर में ये दोनों वाहन, जिसमें एक में ट्रक में दवा थी, दूसरे में गैस का टैंकर था, लेकिन गैस उसमें नहीं थी, दोनों आपस में टकरा गए और टकराने के बाद इतनी भीषण टक्कर थी कि दोनों वाहनों में ही आग लग गई। और आधिकारिक तौर पर 3 लोगों के मरने की पुष्टि अभी तक पुलिस ने की है और बाकी कुछ घायल भी हैं, उनका उपचार जारी है। दमकल के एक इंजन की मदद से लगभग 4 घंटे लगे हैं आग पर काबू पाने में, लेकिन इस दौरान काफी देर तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पूरी तरह से बंद रहा एक तरफ। बिल्कुल अनुपम मिश्र में सभी जानकारी दे रहे हैं। हादसा कैसे हुआ? दो बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में ये जबरदस्त टक्कर।